टोटल दो तीन इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी एकदम तैयार हो जाएगी और बहुत टेस्टी रेसिपी है। आपको बिल्कुल पहले से कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत तुरंत इसको बनाइए और इसके टेस्ट का मज़ा लीजिए। तो इसके लिए हमें चाहिए एक मोटे छेद वाली किसनी और ठंडे पानी में आप इसको किस लीजिए। किसने के बाद में आलू, कच्चे आलू को आप पानी में से बाहर निकालिए और इसका पानी पूरा निचोड़ लीजिए और चाहें तो एक कपड़े से इसका पानी और पोंछ लीजिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालिए और अब हम इसमें 2 चम्मच आटा लेंगे। आटा हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जैसे अभी हमने डाला, इसको मिक्स कर लिया और फिर हम इसमें थोड़ा सा आटा और डालेंगे और उसको भी मिक्स कर लेंगे। आटा पूरे आलू में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, आलू में आटे की कोटिंग हो जाना चाहिए। सिर्फ 2 चम्मच आटा काफ़ी होगा इतने आलू में। यहाँ हमने करीब 3 आलू लिए हैं। अब ये कोटिंग करने के बाद में आप एक तवा ग्रीस करेंगे, उसको गर्म करेंगे और उस पर ये आलू आप इस तरह से डालेंगे। आलू जब आप डालेंगे तो इसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या शेप देना चाहते हैं। मैंने यहाँ ट्रायंगल शेप दिया है और इसको बहुत फिनिशिंग के साथ डालिएगा, जिससे इसके एंड्स भी सब फिनिश हो जाएं, देखने में सुंदर लगते हैं, बस इसीलिए, अदरवाइज़ फिर आपकी मर्ज़ी है। और इस तरह एक ट्रायंगल शेप देने के बाद में आप इसके चारों तरफ हल्का सा ऑयल या बटर और डाल दीजिए और इसको एक लीड से धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए आप इसे कवर कर दीजिए। किचन बाय विनी की ये रेसिपी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये रेसिपी सच में बहुत बहुत टेस्टी है और इसको बनाने में कोई पहले से कुछ मेहनत भी नहीं लगती है और प्रिपरेशन भी कुछ इसका बहुत सारे मसालों के साथ भी नहीं है। 5 मिनट बाद आप इसका लीड हटाएंगे और ऐसे किनारी से आप इसे निकालते जाएंगे, बहुत आसानी से ये निकल जाता है और इसको अब हम पलट लेंगे। पलटने के बाद आपकी चॉइस से अगर आपको चीज़ पसंद है तो आप डालिए, अदरवाइज़ स्किप कर दीजिए और फिर एक लेयर और आप इस पर कच्चे आलू की डालिए। जब आप चीज़ नहीं डालेंगे तो आप डायरेक्ट भी इस पर कच्चे आलू की लेयर डाल सकते हैं। 2-3 हरी मिर्ची बारीक कतर के रख इसके पीसेस डाल दिए और वापस लिड से कवर कर कर 4 से 5 मिनट के लिए इसको फिर सिकने रख दिया। इस तरह ये 4 से 5 मिनट बाद सिककर एकदम रेडी हो गया है। अब ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है और एकदम कुरकुरा और बहुत टेस्टी पराठा बना है। आप लोग भी इसको ट्राई करके देखिए, कभी भी चलते फिरते इस रेसिपी का आप टेस्ट ले सकते हैं।